एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज सरकार और किसानों के बीच बैठक नहीं होगी, अब ये 20 जनवरी को होगी। 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे अब ये बैठक होगी। आज होनी थी, एक दिन के लिए टल गई है, कल होगी अब दोपहर 2 बजे। बड़ी अपडेट, आज सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बैठक होने वाली थी वो टल गई है एक दिन के लिए, अब ये कल। 10वें दौर की बातचीत आज होनी थी, ये टल गई, अब ये कल दोपहर होगी। लगातार बैठकों के बाद भी लगभग परिणाम सिफर रहे हैं। 2 बहुत ही छोटे इश्यूज पर जरूर किसानों और सरकार के बीच में एक सहमति बनी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो अभी भी सॉल्व नहीं, अभी भी उसका हल नहीं। और गाजियाबाद के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने महिला किसान संकल्प दिवस मनाया। इस दौरान यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर महिला कबड्डी का भी आयोजन किया गया। कबड्डी की इस प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग में महिला खिलाड़ी कबड्डी के दांव पेच देखने को मिले। ये देखिए आप, गाजीपुर बॉर्डर पर महिलाओं की कबड्डी देखिए आप। गाजियाबाद की बात हो रही तो आपको बताएं, वहां पर एक कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और कुछ ही देर में ये कार आग का गोला बन गई। घटना मोदीनगर के निवाड़ी थाना इलाके की है, आप ये देख लीजिए तस्वीर। कार सवार ने वक्त रहते अपनी जान बचा ली और फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। इधर अमरोहा में भी अचानक खड़ी हुई कार में आग लगने से गैरेज में अफरा तफरी फैल गई। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण गैरेज में खड़ी कार में आग लग गई। थाना डिडौली के जोया कस्बे का यह सारा। आप देखिए ये अमरोहा की तस्वीर, गैरेज में खड़ी कार में अचानक आग लग गई और धू धू करके ये कार जल गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।